हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमृता मिश्रा। अमृता मिश्रा डॉट कॉम में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूं कच्चे केले के कोफ्ते बनाना। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और मैं आपको इसका बहुत ही इजी वर्जन बताऊंगी। और ये केले, कच्चे केले के जो कोफ्ते हैं, आप चावल के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ भी खा सकते हैं, कोई भी स्पेशल ओकेजन हो तब पर भी बना सकते हैं और छुट्टी के टाइम में भी बना सकते हैं। ये पौष्टिक तो होते ही हैं, साथ ही साथ बहुत ही स्वादिष्ट भी लगते हैं। तो आइए सीखते हैं अपने कच्चे केले की रेसिपी। ये बहुत ईजी है, आप इसके लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखें। चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने लिए हैं 6 उबले हुए कच्चे केले लिए हैं। इसको हमने बस एक सीटी में उबाल लिया है, ये बहुत ही जल्दी उबल जाते हैं। तो ये हमने 6 केले लिए हैं। 2 बड़े प्याज थे उसको हमने पीस लिया है। ये 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसमें 2 इंच अदरक है और 20 कलियां लहसुन की हैं। 3 बड़े टमाटर थे लाल, उसको हमने पेस्ट तैयार कर लिया है उसका। 2 बड़ा चम्मच हमने तेल लिया है सब्जी बनाने के लिए, मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है। आप चाहें तो कोई भी वेजिटेबल ऑयल ले सकते हैं जिसमें आप सब्जी बनाते हो। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर ली है। 1 चम्मच हमने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ किया है जो कि तीखी कम रहती है। नमक स्वाद अनुसार लेना है। 1/2 चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया है। 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर लिया है। अगर आपको खट्टा कम पसंद हो तो आप इसको कम भी ले सकते हैं क्योंकि हमने टमाटर का यूज़ किया है। 1/2 चम्मच गरम मसाला लिया है हमने। 2 तेज पत्ता लिया है। 1 साबुत लाल मिर्च ली है। 2 चुटकी हींग ली है। 1/2 चम्मच हमने जीरा पाउडर साबुत जीरा लिया है। 3 चम्मच हमने इसमें बेसन लिया है बड़े चम्मच। थोड़ी सी बारीक कटी धनिया है और 2 हरी मिर्च है उसको हमने बारीक काट लिया है। फ्राइंग पर्पज़ के लिए भी हमें थोड़ा और ऑयल लगेगा। ये केलों को हमने छिल लिया है, अब हम इसको मैश कर लेंगे अच्छे से। आप चाहें तो पोटैटो मैशर से भी इसको मैश कर सकते हैं। तो पहले हम केलों को लेके मैश कर लेंगे। वैसे मैं तो ज़्यादातर ग्रेट कर लेती हूँ, तो उससे क्या होता है कि बहुत ही अच्छे से ये मैश भी हो जाते हैं और ये बहुत अच्छे हमारे केले बनके तैयार हो जाते हैं। तो मैं इसको ग्रेट कर लेती हूँ, इससे आपको बहुत ही आराम होगा। केलों को हमने अच्छे से लेके मैश कर दिया है, या आप चाहे तो ग्रेट भी कर सकते हैं। ग्रेट करने में बहुत ही आसानी होती है, उसमें कोई बड़े टुकड़े नहीं रहते हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी। अब हम इसमें 4 चम्मच बेसन का लेके डाल देंगे। 4 बड़े चम्मच बेसन का हम लेके डाल देंगे। 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लेके डाल देंगे। थोड़ी सी बारीक कटी धनिया भी डाल देंगे। नमक भी इसमें लेके डाल देंगे स्वाद अनुसार। ये हम अपने कोफ्तों की तैयारी कर रहे हैं। अब हम इसमें थोड़े थोड़े मसाले भी डाल देंगे। तो थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, थोड़ा थोड़ा अप्रॉक्स 1/4 टेबलस्पून हमें डालना है। थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। अब हम लेकर के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे इंग्रेडिएंट्स। ये देखिए मिक्सचर हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसके नींबू के आकार के गोले बना लेंगे और अपने सारे कोफ्ते की तैयारी कर लेंगे। ये अगर आप ऐसे भी फ्राई करके खाएंगे तो एज अ स्नैक ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो आप इसको सब्जी में भी बना के खा सकते हैं और साथ ही साथ आप एज अ स्नैक भी इसको खा सकते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी तो होता ही है। कच्चे केले बहुत ही फायदेमंद भी होते हैं, तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कच्चे केले खाने का। अब हम ऐसे ही सारी बॉल सब्जी तैयार कर लेंगे। ये देखिए सारी बॉल्स हमने बना के रख ली हैं। अब कढ़ाई में तेल हमने डाल दिया है, अब उसमें हम अपने कोफ्ते डाल देंगे फ्राई होने के लिए। आप इसको एज अ स्नैक भी खा सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं ये। मैं इसको मस्टर्ड ऑयल में बना रही हूँ, आप चाहें तो जिस ऑयल में आप खाना बनाते हैं उसमें आप बना सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे और हमें इसको तब तक फ्राई करना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए दोनों साइड से। बेसन की वजह से इसमें बहुत ही अच्छी बाइंडिंग आती है, ये यूजुअली फूटते नहीं हैं क्योंकि केले भी बहुत ही अच्छा बाइंड करते हैं और साथ ही बेसन है। बट बेसन की मात्रा इसमें बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, बट जितना मैंने बताया है उतना ही आपको यूज़ करना है।
बनाए कोफ्ते हार्ड हो जाते हैं। अब दोनों इन सब कोफ्तों को ऐसे ही हम पलट पलट के गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। फ्लेम मैंने मीडियम कर रखी है, मीडियम टू हाई। लगातार आप सारे कोफ्ते पलटते भी रहें। ये देखिए गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है, तो अब हम अपने कोफ्ते निकाल लेंगे और दूसरी शिफ्ट भी तल के रख लेंगे। अब हम दूसरी शिफ्ट भी ऐसे तल के निकाल लेंगे सेम प्रोसीजर के साथ। ये देखिए कोफ्ते हमने तल के रख लिए हैं। अब हम इसको साइड में रख लेंगे और अपनी ग्रेवी बनाना स्टार्ट करेंगे। अब कढ़ाई में से हमने ऑयल निकाल दिया है और 2 टेबलस्पून ऑयल इसमें हमने छोड़ दिया है। अब हम इसमें ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है तो हींग लेके डाल देंगे, जीरा लेके डाल देंगे, तेज़पत्ता लेके डाल देंगे और साबुत लाल मिर्च लेके डाल देंगे। इसको अच्छे से तड़कने देंगे। जीरे हमारे अच्छे से तड़क चुके हैं। अब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट लेके डाल देंगे। हम इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे और हम इसको 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकाएंगे कि जिससे ये लहसुन और अदरक हमारा अच्छे से पक जाए। 1 मिनट के लिए हम लगातार चलाते हुए इसको पका लेंगे। अब हम इसमें हरी मिर्च लेके डाल देंगे और इसको भी अच्छे से हम इसमें फ्राई कर लेंगे। इसमें मसाले जितने अच्छे से भुने रहेंगे आपकी सब्जी उतनी ही अच्छी बनेगी। तो अब हम इसमें ये जो प्याज का पेस्ट हमने तैयार किया था ये भी लेके ऐड कर देंगे और इसको हम पहले 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे ही लगातार चलाते हुए इसको पका लेंगे। 2.5 मिनट हो चुका है हमें इसे भूनते हुए। अब हम अपने मसाले इसमें ऐड करेंगे। तो पहले हम हल्दी पाउडर ऐड कर लेंगे, फिर धनिया पाउडर ऐड कर लेंगे, फिर मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ करूँगी जो तीखी कम होती है और इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है ग्रेवी में। तो पहले हम लेके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों को कि मसाले भी अच्छे से भून जाएं। अगर मसाले अच्छे भुने रहेंगे तो आपकी सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। ये देखिए इस प्रोसेस से मसाले अच्छे से भुन जाते हैं। अब हम इस स्टेज पे जो बचा हुआ आमचूर था वो भी लेके इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपको खट्टा ना पसंद हो तो आप आमचूर अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने टमाटर का भी अच्छे से यूज़ किया है। अब हम इसमें नमक अभी इसी स्टेज पे ऐड कर देंगे। नमक स्वाद अनुसार आपको ऐड करना पड़ेगा। अभी जो टमाटर का पेस्ट हमने तैयार किया था ये भी हम लेके डाल देंगे इसमें और इसको हम तब तक पकाएंगे कि जब तक ये टमाटर तेल ना छोड़ने लगे। तो इसको हम तब तक मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए पका लेंगे। 3 मिनट हो चुका है, 3 से 4 मिनट, और हमने इसको लगातार चलाते हुए भुना है। और ये देखिए ये कैसे तेल छोड़ने लगा है पूरा मसाला, यानी कि ये मसाला हमारा अच्छे से पक गया है। यही इंडिकेशन है जानने का कि मसाला हमारा पक गया है या नहीं। तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे धीरे धीरे। ले लिया मैंने पानी और इसमें पानी लेंगे क्योंकि ये कोफ्ते डालने के बाद ये थिक भी हो जाती है ग्रेवी। और लेंगे थोड़ा सा पानी और लेंगे, लगभग मैं इसमें 3 ग्लास पानी ऐड करूँगी। इसमें मैंने टोटल 3 ग्लास पानी डाला है। अब हम इसको लगातार चलाते रहेंगे और इस ग्रेवी में अच्छा सा उबाल आने देंगे कि इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाए और ये ग्रेवी हमारी पक जाए अच्छे से। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है ये सब्जी। ये आप चावल के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं और कच्चा केला बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होता है तो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और साथ ही साथ ये पौष्टिक भी बहुत है और सीज़न भी है अभी इसका। तो आप इस सब्जी को ज़रूर बना के ट्राई करें। मैं इसका एकदम ईजी वर्जन मैंने आपको इसका बताया है। बहुत ही आसानी से ये सब्जी हमारी बन के तैयार हो जाती है। ये देखिए ग्रेवी में बहुत ही अच्छा उबाल आ गया है। अब हम इसमें गरम मसाला भी लेके डाल देंगे
और थोड़ी देर के लिए और इसको चला लेंगे। ग्रेवी में अच्छा उबाल आ गया है तो अब हम अपनी गैस की फ्लेम एकदम लो कर देंगे और धीरे धीरे करके हम अपने कोफ्ते इसमें डाल देंगे। एक एक करके आप डालें, एक साथ ना डालें, फ्लेम लो कर दें कोफ्ते डालते वक्त। सारे कोफ्ते हम लेके डाल देंगे इसमें। अब हम इसको 5 मिनट के लिए ढक के लो फ्लेम पे पका लेंगे कि जिससे कोफ्तों में सारी ग्रेवी अच्छे से चली जाए और ये हमारी बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बने। तो अब हम इसको 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ढक देंगे। 5 मिनट हो चुका है और ये सब्जी हमारी बन के तैयार हो गई है। तो अब हम गैस बंद कर देंगे अपनी और इसको एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। बट उसके पहले हम इसमें धनिया की पत्ती ऐड कर देंगे। ये अभी से देखने में कितनी स्वादिष्ट लग रही है। अब हम इसमें धनिया की पत्ती लेके ऐड कर देंगे, इसको लेके अच्छे से मिक्स कर देंगे और एक सर्विंग बाउल में इसको निकाल लेंगे। ये देखिए कच्चे केले के बहुत ही स्वादिष्ट कोफ्ते बन के हमारे तैयार हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, इसको लाइक करिएगा और हाँ, इसको शेयर करना एकदम मत भूलिएगा। ओके, बाय।